अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के दिल्ली मॉडल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और वहीं सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होने वाले प्रमुख नेता इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। तो बता दें कि केजरीवाल को सिंगापुर के लिए सम्मेलन में जाने से रोका भी जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार और उनकी सिंगापुर यात्रा में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सोमवार को फिर आरोपों को दोहराया और कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक कारणों से मेरी सिंगापुर यात्रा रोकी जा रही है। तो वहीं केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दे रही है। इस मुद्दे पर आप सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहीं केजरीवाल आगे कहते हैं कि उन्हें उस देश की सरकार ने सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जहां वह वैश्विक नेताओं के सामने दिल्ली मॉडल पेश करेंगे और भारत का गौरव बढ़ाएंगे। अपनी यात्रा की अनुमति देने में केंद्र की देरी से नाराज केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर वह पिछले एक महीनों से अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, पर उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन अभी तक कोई सामने नहीं आया है। वहीं आप संयोजक केजरीवाल ने कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं और देश का आजाद नागरिक हूं। मुझे सिंगापुर जाने से रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण लगता नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आमतौर पर विदेशी यात्राओं पर नहीं जाते हैं, लेकिन सिंगापुर सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं क्योंकि यह देश के विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस बारे में पहले पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि उन्हें वर्ल्ड सिटीज समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिंगापुर की यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार करना गलत है। वहीं आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को किस वजह से और क्यों रोका जा रहा है सिंगापुर जाने से, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।